कराची में सिटी कोर्ट के करीब मोटरसाइकिल सवारों की कार पर फायरिंग, तीन वकला जां बहा के एक जख्मी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कल मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया। सिंध के वजीर दाखला मंजूर वसान ने वकला के कत्ल का नोटिस ले लिया, पुलिस हुकाम को फौरी तौर पर मुलजिमान की गिरफ्तारी के हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कह दिया है कि आर्मी चीफ और DGISI से मुतालिक बयान मखसूस हालात में दिया, ये तासुर दूर करना चाहता हूँ कि अस्करी हुकाम का अमल गैरआइनी था। कबल इस बार इंतखाबात हो सकते हैं, नवाज शरीफ की वतन वापसी पर हिज़्बे इख़्तिलाफ़ की जमातों का इजलास बुलाएंगे। मौलाना फजल रहमान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रॉड केस में वज़ीर आज़म के साबिक मीडिया कोऑर्डिनेटर खुर्रम रसूल की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। PIC अद्वियात के रिएक्शन से हलाकतें जारी, न्यू अस्पताल में मजीद दो मरीज इंतकाल कर गए, हलाकतें 75 हो गई। पीपल्स पार्टी की पंजाब असेंबली में म्यूजिकल कॉन्सर्ट की हिमायत में करारदाद जमा, राणा सनाउला कहते हैं कि तालीमी इदारों में म्यूजिकल कॉन्सर्ट पर पाबंदी नहीं। और अबू धाबी टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग जारी, अहम बल्लेबाज आउट।